तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रुपम, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फेस टू फेस। देख लो चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज नया और एक वीडियो लेके आया हूं स्पॉटलाइट का। तो चैनल में नया नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने ये लाइट ले लिया। लाइट लेने के बाद इसका दोनों साइड में दो स्क्रू रहता है, तो इस दोनों स्क्रू को हम लोग लूज करके पूरा निकाल देंगे, जैसे कि मैं निकाल रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका पीछे का एक ढक्कन भी होता है, जैसे कि इसी में हम लोग का जो स्क्रू लगा रहता है, तो इसको भी हम लोग निकाल देंगे। लेकिन निकालने के बाद फ्रेंड्स, लाइट का पोजीशन का हिस्से का हम लोग कुछ काम नहीं है, और ध्यान रखिए थोड़ा धीरे से खोलिएगा, क्योंकि पूरा सर्टिफिकेट आपका हाथ में आ सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पैर का अंदर में इसका होल एक दिया जाता है, इसमें हम लोग घुसा देंगे। घुसा देने के बाद इसको हम लोग स्क्रू मारेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू मैं जहाँ पर मार रहा हूँ, ये एक बोर्ड है, इसी में हम लोग डायरेक्ट इसको मार सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ड्रिल से होल मारना पड़ेगा। मेरा तो डायरेक्ट इसको मार दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बोर्ड है, बोर्ड में। तो आप लोग करने का टाइम में इसमें दागी मार के होल कर दीजिएगा और उसमें टाइट कर दीजिएगा। ज़्यादा फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मली है। आप लोग देखने से ही पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही है वीडियो बनाना और आप लोगों को दिखाना। तो गान के मदद से मैं इसको चार चार स्क्रू लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो स्क्रू मारने के बाद फ्रेंड्स, ये पूरा चिपक चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, अभी जो लाइट को पकड़ लेंगे। पकड़ लेने के बाद इसके वायर को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए फ्रेंड्स, अकेला तो होगा नहीं, किसी कोई एक आदमी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वायर में लटकाएंगे तो वायर का अंदर का सर्किट पूरा निकल के आने का चांसेस है। तो ऐसे ही फाड़ दीजिए, फाड़ के इसका अंदर का वायर निकाल दीजिए। निकालने के बाद कुछ प्लायर के मदद से इसको छील दीजिए, कटर के मदद से, प्लायर के मदद से, जो भी हो आप लोग का मर्जी। उसके बाद फ्रेंड्स, ऊपर वाला वायर को भी थोड़ा सा छील देंगे। छीलने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम लोग जॉइंट मार देंगे। जॉइंट मार के फ्रेंड्स, इसको हम लोग ब्लैक टिप लगा देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ब्लैक टिप लगाना फ्रेंड्स जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए। और मेरा बातों से अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा हो, तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा, आप लोगों का छोटा भाई समझ के। तो इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक टिप अच्छी तरीके से मारने के बाद फ्रेंड्स, ये पूरा वायर को हम लोग अंदर घुसा के, पहले हम लोग जो स्क्रू खोला था ना, उसी स्क्रू को हम लोग दोनों साइड से लगा देंगे। तो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा वायर कुछ भी बाहर मत रखिएगा, क्योंकि बाहर रखने से आपका ये कवर नहीं लगेगा, पूरा अच्छी तरीके से पूरा बैठ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू को दोनों साइड से लगा देंगे। स्क्रूड्राइवर की मदद से लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये थोड़ा इधर उधर आप लोग घुमाना चाहते हैं तो घुमा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों तरफ घूमेगा, ऊपर नीचे होगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ का गंदा लग गया था। तो अभी देखिए, मेरा लाइट जो है पूरा जलना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा एकदम। देखिए जहाँ पे लगाया था फ्रेंड्स, मालिक ने बोला था कि, घर का मालिक ने बोला था कि इसमें एक रेगुलेटर भी चाहिए, तो इसमें एक रेगुलेटर लगा दिया। और ये देख सकते हैं इसका लुक आप लोग। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।